नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसका एक और कॉन्सेप्ट है, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। सो पिछले वीडियोस में हमने देखा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। और पर्टिकुलरली इसमें ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? तो एक्चुअली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि जो बैकएंड जो फीचर है उसको हाइड करने के लिए, ठीक है, जो हमारे एंड क्लाइंट होते हैं उनको पता नहीं रहता। तो अगर आसान भाषा में हम समझे तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कार है, तो हम कार की चाबी घुमाते हैं, कार चलती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है वो हमें नहीं पता। हमने तो सिर्फ चाबी घुमाई, शुरू हो गया, लेकिन अंदर जो होता है ना वो कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। चाबी शुरू की तो पता नहीं कौन सा कौन वायर, तो मैं तो कोई कार का इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन फ्यूल और ये सब कुछ मिला के जो कॉन्सेप्ट जो बनता है उससे ये कार शायद वो चलती है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता है ना, जैसे कार हमने घुमाई ये चल दिया। तो सेम थिंग एब्स्ट्रैक्शन का ये सॉर्ट ऑफ यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन है उनमें दो चीज़ आती है, ठीक है, एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा है इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम दो मेथड डिफरेंट टाइप की यूज़ कर सकते हैं, एक है नॉर्मल मेथड, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो नॉर्मल मेथड क्या होता है कि जैसे हम ऑलरेडी यूज़ करते आए ना कि मेथड का नाम है, इसके अंदर कोड है, वो हुई नॉर्मल मेथड के जिसके अंदर कोड है। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि अंदर कोई कोड नहीं होता, सिर्फ ये मेथड का नाम होता है और उसके अंदर कोड या कर्ली ब्रेसिस भी नहीं होता, ना तो इसमें कोड होता है। हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी थियरी जान लेते हैं, ठीक है। और जब भी क्लास का नाम हम लिखेंगे उसके आगे लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे है ना एब्स्ट्रैक्ट, तो हम एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे। और जब भी हम इनहेरिटेड जो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, अगर वो हम यूज़ करते हैं उसमें तो हम लगाएंगे एक्सटेंड्स, ये चीज़ है, और ये एक ही बार हम यूज़ करते हैं। इंटरफेस के बारे में अगर बात करते हैं तो इंटरफेस वर्ड लगाते हैं, उसके अंदर नॉर्मल मेथड अलाउड नहीं है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कोई कोड नहीं होगा, सिर्फ उसका सिग्नेचर होगा। और जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंड इनहेरिटेड करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स, ये फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल में तो कैसे ये होता है। ऑलरेडी ये मेरा क्लास बना हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके, मैं उसके ऊपर बनाता हूँ दूसरा क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एबीसी, जैसे मैंने बताया ये मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि ये मेरा क्लास बना रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें एक आता है नॉर्मल मेथड, तो चलिए बनाते हैं नॉर्मल मेथड। पब्लिक वॉइड मैसेज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे लिखते हैं दिस इज मैसेज नॉर्मल मेथड। और एक दूसरा मेथड बनाते हैं और ये होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईमेल, और क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है तो हम लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे चाहिए हमें सेमीकॉलन। तो देखिए ये मेरा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके अंदर है मेरा नॉर्मल मेथड, और ये जो है वो हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्योंकि मैंने लगाया है वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे ना तो ऐसे कर्ली ब्रेस है ना तो इसके अंदर कोड है, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड,
ठीक है, तो ये हमने क्यों किया? तो चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर कोई कंपनी में आप जॉब करते हो एज ए डेवलपर, तो कोई एक प्रोडक्ट पे एक ही डेवलपर थोड़ी ना होगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे कई डेवलपर होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अमित वर्क कर रहा है मैसेज पे, अमित वर्किंग ऑन मैसेज फीचर, ठीक है, तो अमित कर रहा है इस पे, और सुमित जो है, जो हमारा दूसरा डेवलपर, सुमित वर्किंग ऑन ईमेल, तो ये वर्क इसलिए। तो होगा क्या कि अगर कोई भी ये भूल गया इम्प्लीमेंट करना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं। तो अब सुमित यहाँ पे काम करेगा, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट करना भूल गया तो एरर देगा। तो कैसे, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर ये क्लास मुझे का कोड लेना है तो मैं क्या करूँगा, वर्ड लगाऊंगा एक्सटेंस, ये हमने देखा था इनहेरिटेंस में, ठीक है, तो ए बी सी, तो यहाँ पे सीधा देगा हमें एरर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि ये जो कोड है उसका हमें यहाँ पे नॉर्मल मेथड में कन्वर्ट सो लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे दिया मैसेज। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये मैं करता हूँ कॉपी, अब ये नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट, अब ये होगा नॉर्मल, इसलिए इसके अंदर मैं लगाऊंगा कोड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा तो इस तरह मैंने क्या किया कि एक बार फिर से मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि पता चले कि ये जो था अमित का, तो अमित का जो फीचर्स हैं वो है मैसेज, ठीक है, और ये है सुमित का, वो है ईमेल। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट था तो अब मैं इसे नॉर्मल यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कोड, और मैं लिखता हूँ दिस इज ईमेल, तो ये हुआ। तो देखा एरर अब यहाँ से चला गया है, देखा एरर चला गया है, थोड़ा सा स्पेस में डालता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है, ईमेल, तो ये हुआ। अब यहाँ पे बनाते हैं हम हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैं करता हूँ कॉपी, ए इक्वल टू न्यू और ए डॉट ईमेल हम प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ पे करते हैं रन, तो ये हो गया हमारा प्रिंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो एक बार फिर से क्या फ़र्क है, अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं यूज़ किया है जो, तो इसके लिए अभी हम बात नहीं करते, लेकिन अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है उसके अंदर नॉर्मल मेथड आता है, एक आता है सिग्नेचर, सिग्नेचर मेथड, या हम बोलते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, उसमें कोई कोड नहीं रहता, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसके अंदर यहाँ पे हमें कोड डालना है, ठीक है, तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं। तो होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आ गया और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेस के बारे में, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने ऑलरेडी थियरी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, तो वो वीडियो में हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे एक रियल एग्जांपल के साथ। कोशिश करूँगा कि इजी और आसान भाषा में, ज़्यादा टेक्निकल में ना जाऊँ और समझाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरफेस में, तब तक के लिए बाय बाय।